इमेज कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स होते हैं इमेज के, और लास्ट में हमने एक इमेज लगा कर देख ली थी जो ये हमारा कोड लिखा हुआ है उस इमेज का, ठीक है, ये हमने इमेज एक लगा कर देख ली थी। अच्छा, आज हम क्या करते हैं, ज़रा सा मज़ीद इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को अपने, तो यार ये पता नहीं क्या मसला है, खुद ही सीधी हो जा रही है। अच्छा, तो ये एक इमेज का टैग है जो बुक में आपके बताया गया कि भाई इसे इस तरह लगाना है इस इमेज को। अच्छा, उसके बाद मैंने विर्थ उसको दी है 100%। विर्थ 100% का मतलब है कि स्क्रीन का जो भी साइज़ है वो पूरा का पूरा ये उसकी विर्थ को कैप्चर कर ले। SRC करके मैंने इमेज का पाथ इसको दिया, और ALT करके क्या चीज़ दी है मैंने इसको, अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि जब भी इमेज अगर लोड नहीं हो पाए किसी वजह से तो ये टेक्स्ट नज़र आ जाता है एटलीस्ट। उसके बाद टाइटल है, टाइटल जो है वो डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट तरीके से शो होता है। गूगल क्रोम में जब आप माउस लेके जाते हैं और थोड़ी देर हाथ रखते हैं वहाँ तो शो होता है, कुछ ब्राउज़र में नीचे पट्टी बनी हुई भी आती है। तो ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पे लग चुकी है। अच्छा, इस इमेज में प्रॉब्लम क्या थी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज, इस इमेज की जो विड्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। अगर हम इसको ब्राउज़र में जाकर उसमें जाकर देखें अपने एक्सप्लोरर में, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन फाइंडर करके, विंडोज़ में रिवील इन एक्सप्लोरर आ रहा होता है, इसमें फाइंडर आ रहा होता है, तो इसका जो साइज़ है वो 3 MB है। अच्छा, ऐसे दिखता है ये, स्क्रीन का जो सेंटर है वो दिखा रहा होता है ये, ठीक है जी। तो इसका जो साइज़ है वो 3 MB है मेरे पास, और इसकी जो विड्थ है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4000 समथिंग कुछ पिक्सल है इसकी विड्थ, ठीक है। तो जो मेरी स्क्रीन की विड्थ इस वक्त है वो काइंड ऑफ 1300 समथिंग है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो होता है ये एक्स होता है, यानी कि आपकी चौड़ाई होती है स्क्रीन की, एक्स एक्सेस होता है ये, तो ये फर्स्ट वाला। और ये सेकंड वाला जो होता है ये ऐसे लंबाई होती है कि इसमें लंबाई में कितने पिक्सल है ये, तो तकरीबन 5000 के करीब पिक्सल ये चौड़ाई में है और 3300 के करीब ये लंबाई में है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है, तो मुझे इतनी बड़ी इमेज रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, मैं अपने स्क्रीन का भी ज़रा देख लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन की जो चौड़ाई है वो क्या है। अच्छा, वो मुझे दो तरीके से दिख जाती है, एक तो मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और ब्राउज़र पे आके मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा ना जब, तो ये मुझे बता देता है कि यार कैसे बताता है, हाँ ये मुझे ना देखो बता रहा है कि 814 पिक्सल है, यहाँ कोने पर छोटा सा दिख रहा है 814 पिक्सल। ये जब मैं मोबाइल पे शिफ्ट करता हूँ या वैसे ही रैंडमली समटाइम जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला हुआ होता है ना तो मुझे बता रहा होता है कि यार आपकी जो इस विड्थ है ना वो इतनी है। अच्छा, अभी क्योंकि आधे पे मेरा डेवलपर ऑप्शंस खुले हुए हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये छोटा सा 3 डॉट कोने में बना हुआ इस पर क्लिक करके इसको नीचे की साइड ले आता हूँ। तो अब मुझे देखो ये क्या बता रहा है, अब मुझे बता रहा है 1440 पिक्सल है, बिल्कुल कोने में यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ रहा है। तो मेरे जो स्क्रीन की इस वक्त विड्थ है टोटल वो 1440 पिक्सल है और लंबाई 700 समथिंग है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा डेवलपर ऑप्शन ने भी कुछ जगह ली हुई है, ऊपर ये बार भी बना हुआ है, अदरवाइज़ टोटल लंबाई भी 1000 पिक्सल समथिंग है इस स्क्रीन की। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन है एक कि ठीक है भाई, मेरे लैपटॉप में ये चौड़ाई 1400 पिक्सल आ रही है, लेकिन किसी दूसरे लैपटॉप में ये चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इसका क्या हाल है फिर, ठीक है। तो ये हम अभी आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वेल पहले ना इमेज के विड्थ हाइट को ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये क्या लिखा है इन्होंने इस बारे में। तो इन्होंने लिखा है कि यू विल ऑफन सी एन इमेज एलिमेंट यूज़ टू अदर एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाई इट्स साइज, कह रहे ऊपर तो मैंने बता दिए ये सारे एट्रीब्यूट, कह रहे विड्थ और हाइट का भी आपको नज़र आएगा समटाइम। हाइट जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है, हाइट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, ये बताता है कि ये इमेज हाइट में कितनी है पिक्सल को लेकर। अच्छा, पिक्सल के अलावा भी हो सकता है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है और कुछ दूसरे यूनिट्स हैं जैसे EM वगैरह उसमें भी ये हो सकता है। अच्छा, विड्थ बताता है कि भाई विड्थ ऑफ इमेज इन पिक्सल्स, कि ये इमेज विड्थ में कितने पिक्सल में। अच्छा, अभी मैंने इसको विड्थ को यूज़ किया इस इमेज को छोटा करने के लिए, एक्चुअल में ये इमेज बहुत बड़ी थी,
जैसा कि हमने देखा है इसकी जो चौड़ाई है वो 4000-5000 पिक्सल है, मेरे पे 1400 पिक्सल है, तो इसको मैंने छोटा किया एक्चुअली विड्थ डाल के, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। अभी वही यहाँ पे बात डिस्कस हो रही। इमेज ऑफन टेक लॉन्गर टू लोड देन द HTML कोड दैट मेक्स अप द रेस्ट ऑफ द पेज। इट इज देयर फॉर अ गुड आइडिया टू स्पेसिफाई साइज ऑफ द इमेज सो दैट द ब्राउजर कैन रेंडर द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज वाइल लीविंग द राइट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द इमेज इज स्टिल लोडिंग। कह रहा है कि आपका जो HTML का कोड होता है, क्योंकि वो टेक्स्ट होता है, वो जल्दी लोड हो जाता है, और इमेज थोड़ी देर में लोड होती है क्योंकि इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे हमने जितना भी HTML का कोड अभी तक लिखा है, 100 लाइन का कोड है मिसाल के तौर पे, तो जो 100 लाइन का कोड है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा तो 2KB होगा, 4KB होगा, मैक्सिमम शायद 15KB तक हो जाए। ठीक है, देख भी लेते हैं हम इसको। ये एक हमारा एक HTML का पेज है जिसके अंदर काइंड ऑफ कोई 40-50 लाइन का कोड लिखा हुआ, तो मैं इसको रिवील इन फाइंडर करके इसका साइज़ देख लेता हूँ। बहुत ही छोटा होगा इसका साइज़, ठीक है, 2KB है ये। ठीक है, तो 50 लाइनों का कोड 2KB है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 200 लाइन का कोड होगा तो वो 8-10KB होगा, मैक्सिमम 15KB होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऑन अदर एंड इमेज जो हमारी वो 3MB की है। ठीक है, तो KB और MB का डिफरेंस तो पता है ना कि 1000KB का 1MB होता है, और इसका मतलब है वो 3000KB से भी ज़्यादा है कुछ। तो ये इन्होंने लिखा है कि टेक्स्ट है क्योंकि HTML का कोड वो जल्दी लोड हो जाता है, इमेज देर से लोड होती है, तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप इमेज में ना विड्थ हाइट बता दें, क्योंकि अगर आपकी इमेज टॉप पे लगी हुई है, फिर कुछ टेक्स्ट है, फिर उसके नीचे मज़ीद इमेज है, फिर टेक्स्ट है, तो क्या होगा जब HTML रेंडर होने लगेगा तो वो उस इमेज के लिए उस जगह को छोड़कर रेंडर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट पूरा एक साथ रेंडर हो जाए, फिर अचानक बीच में घुड़प करके इमेज आ रही हो और पूरा पेज आपका हिल रहा हो उससे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि भाई ये विड्थ और हाइट जो है ये किस लिए हम लगाते हैं, ताकि हम इमेज के लोड होने से पहले HTML के कोड को ये बता सकें कि ये जो इमेज लोड होने वाली है ये कितने हाइट और कितने विड्थ की है, ताकि वो उसकी जगह शुरू में ही छोड़ दें। अच्छा, हम इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन एक करके देखते हैं। अब आप यही वाला जो कोड है हमारा, आप इसे नोट करें, कुछ टेक्स्ट है ऊपर जो कि एक लिस्ट है या जो भी है, उसके बाद एक अदद इमेज है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद कुछ मज़ीद टेक्स्ट है, और इसके नीचे कोई छोटी मोटी इमेज मैं और लगा देता हूँ। जैसे मैं लगा देता हूँ कोई, बल्कि वहाँ से हम उठाते हैं ना, स्टॉक इमेज से, क्या था, अनस्प्लैश से किया था ना हमने लास्ट, अनस्प्लैश से जाके हम क्या करते हैं, कुछ और भी हम पिक्चर्स उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कॉफ़ी शॉप का एक कुछ मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज मिसाल के तौर पर मैंने उठा ली, डाउनलोड फॉर फ्री। ठीक है, डाउनलोडेड, रिवील इन फाइंडर, और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और ड्रैग करके यहाँ इमेजेस में लाके छोड़ दिया। इसको मैंने काउंटर का नाम दे दिया। ठीक है, कॉफ़ी काउंटर है ये हमारा। और यहाँ पर आके मैंने क्या किया कि जैसे ये इमेज यहाँ पे मैंने रेंडर की हुई थी, तो कुछ टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैंने एक और इमेज रेंडर कर दी, लेकिन अब की बार ये इमेज कौन सी है, काउंटर की इमेज है। ठीक है, इमेजेस स्लैश काउंटर, और इसके अल्टरनेट टेक्स्ट में ज़ाहिर है मैं क्या लिखूँगा, अब काउंटर ऑफ अ कॉफ़ी शॉप, दैट्स इट। ठीक है, और ये अभी अल्टरनेट टाइटल में इस पर लगा रहा हूँ, व्यू ऑफ आर कॉफ़ी शॉप काउंटर, सही है, अ व्यू ऑफ आवर कॉफ़ी शॉप काउंटर। तो ये मैंने क्या कर दिया भाई, काफ़ी बात नहीं कर दी। अच्छा, तो ये देखो, अब दो इमेजेस हैं मेरे पास और कुछ बीच में उसके टेक्स्ट है। ठीक है, तो अभी तो ये जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वेबसाइट बहुत ही स्पीड में लोड हो जाती है, क्योंकि जाहिर है ये मेरे ही कंप्यूटर में पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ ना, तो आपको एक ग्लिम्प्स दिखेगा कि वो टेक्स्ट शुरू में एक चक्का हुआ रेंडर होता है, क्योंकि मैंने हाइट तो बताई नहीं है, मैंने तो सिर्फ विड्थ बताई है, तो वो चक्का हुआ रेंडर होता है। अच्छा, इसको सिमुलेट करने का भी एक तरीका है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाऊँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में ना इसको एक सिमुलेट करने का तरीका है। मैं जाऊँगा नेटवर्क में,
और नेटवर्क में जाने के बाद ना, अगर आप यहाँ पे देख सकें, यहाँ पे थ्रॉटलिंग का एक ऑप्शन है, तो मैं इसको कर दूंगा स्लो 3G। मैं इंटरनेट को इस ब्राउज़र के लिए स्लो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये डेवलपर ऑप्शन में मौजूद होता है, सारे ब्राउज़र में होता है, गूगल क्रोम वैसे आपने यूज़ करना है फ़िलहाल के लिए। अब जो ये इमेज को, अब जब मैं इस वेबसाइट को लोड करूँगा ना, तो ये ऐसे लोड होगी जैसे एक स्लो नेटवर्क पे एक वेबसाइट लोड होती है। तो फिर आप देखेंगे कि ये इमेज ज़ाहिर है फिर देर में लोड होगी, 3-3 MB की दो इमेज है मेरे पास। तो मैंने रिफ़्रेश किया, अभी भी जल्दी हो रही है यार, क्या बोल। अच्छा, डिसेबल कैशे। अच्छा, ये वेबसाइट ना अभी इमेजेस को कैशे कर लेती है, ठीक है ना। वंस इमेज लोड हो जाती है तो कैशे हो जाती है। तो मैंने एक और ऑप्शन चेक किया है, डिसेबल कैशे, कि जितना भी कुछ कैशे में है वो नहीं छोड़ना, वो नहीं उठाना, नए सिरे से लोड करना है। तो अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये नए सिरे से पूरा पेज लोड किया है इसने, लेकिन अभी भी बहुत स्पीड में लोड हुआ ये, क्या वजह यार इस, बहुत फास्ट लोड हो रहा है ना। नहीं, ये नेट से तो हो भी नहीं रहा ना, ये तो मेरे कंप्यूटर से हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको स्लो 3G के से भी और आगे करते हैं, कस्टम भी आप ऐड कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा कस्टम प्रोफाइल ऐड करो थ्रॉटलिंग का, और उसमें इंटरनेट कौन सा वाला चल रहा हो। मैंने कहा कि SLOWEST, स्लोएस्ट, और इसकी मैंने स्पीड लगाई है डाउनलोड 10 KBPS, और अपलोड भी मैंने लगाया 10 KBPS, इससे स्लो तो नहीं हो सकता, राइट। और मैंने लेटेंसी लगाई है 2 मिलीसेकंड। ये ऐड हो गया, एक प्रोफाइल ऐड की है मैंने, और ये प्रोफाइल ऐड करने के बाद अब ये यहाँ पे शो हो जानी चाहिए प्रोफाइल ना, ये रहा स्लोएस्ट। लेट्स चेक इट आउट, ये शायद थ्रॉटल ना सही काम नहीं कर रहा, मे बी, 1 मिनट, ये थ्रॉटल कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ सही काम नहीं कर रहा है ये। थ्रॉटल पता नहीं क्या हो गया, सही काम ही नहीं कर रहा। मे बी ये मैंने फाइल करके खोला हुआ, इसलिए सही काम नहीं कर रहा। एक फीचर और भी होता है, VS कोड का फीचर है ये, कि अगर आप कॉपी पाथ करने में थोड़ा आपको अगर मुश्किल फील होती है, तो यहाँ पे गो लाइव करके एक बटन होता है नीचे छोटा सा ना। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर के नाम से, वो आप यहाँ से जाके इंस्टॉल करना होता है आपने, राइट। यहाँ से जाके आपने क्या करना होता है, वो एक लाइव सर्वर आप लिखेंगे ना, ये वाला है, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। ये आप जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये बटन शो हो जाता है, राइट। तो मैं इसके ज़रिए करता हूँ, मे बी गूगल क्रोम जो डायरेक्ट खुली हुई फाइल पे वो अप्लाई ना कर पा रहा हो थ्रॉटलिंग। तो मैं ऐसे गो लाइव का बटन दबा के इस पेज को ओपन करता हूँ। जब गो लाइव का बटन दबाते हैं ना, तो आपके पास एड्रेस कुछ इस तरह का आता है, 127.00 ऐसे करके आता है, ठीक है। पहले तो इस तरह से नहीं आ रहा था, पहले तो फाइल कॉलन आता था। तो मैं अब इस पर ट्राई करके देखता हूँ कि क्या थ्रॉटलिंग इस पर सही काम कर रही है। अच्छा, तो मैं इसको कहता हूँ स्लोएस्ट और डिसेबल कैशे और रिफ्रेश। हाँ, इस पर बिल्कुल सही काम कर रही है थ्रॉटलिंग। अब आप नोट कर रहे हैं ये स्लो नेटवर्क पे जब पेज लोड हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। पहले वो चपका हुआ रेंडर हुआ था, फिर उसके बाद उसने जगह छोड़ी और अब इमेज आहिस्ता आहिस्ता से रेंडर हो रही है ना। मतलब मैंने बहुत ही स्लो कर दिया है, 10 KBPS कर दिया है, तो वो बहुत ही स्लो हो गया। हाँ, वो स्लो 3G कर देते हैं, जो स्लो 3G जो है ना, ये मैंने स्लो 3G कर दिया, ठीक है। तो स्लो 3G पे कुछ इस स्पीड में लोड होगी। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा लोड होता हुआ, यहाँ पे नंबर्स के बीज जो है ना आपके डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक हो गया, अभी भी इमेज लोड कम्प्लीटली नहीं हुई है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, जब अगर बीच में मैंने रोक दिया तो वो ब्रेक हो गई इमेज उधर, ठीक है। अब मैं इसको अगर दोबारा से लोड करूँगा तो आप देखें कि शुरू से दोबारा से लोड हो रही है। पहले HTML लोड हो गया, उसके बाद इमेज लोड होना शुरू हुई है थोड़ी देर बाद। तो जो विड्थ और हाइट हम डिफाइन करते हैं ना इसके अंदर एट्रीब्यूट, वो इमेज को छोटा और बड़ा करने के लिए नहीं होता है, वो उसकी विड्थ और हाइट को डिफाइन करने के लिए होता है। अच्छा, अब इसकी इस इमेज की इस वक्त हाइट क्या है वो मैं ज़रा देख लेता हूँ। इस इमेज की इस वक्त हाइट है 535, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये
ये अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये वाला की पकड़ता हूँ ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट एन एलिमेंट बोलते हैं शायद, सेलेक्ट एन एलिमेंट का बटन है, जब इसको मैं प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लू हो जाता है, और ब्लू होने के बाद मैं किसी भी एलिमेंट पर जब लेकर जाता हूँ इसको, तो वो उस एलिमेंट की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे बताता है। तो देखें यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर लेकर जाता हूँ, तो मुझे 535 इसने इसकी विड्थ, इसकी हाइट बता दी। हाइट कौन सी होती है, सेकंड वाली, तो ये 535 बता दी। अब अगर मैं आके यहाँ पे इसकी हाइट बता देता हूँ 535, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है ना, हाइट मैंने बता दी 535, तो फिर क्या होगा, पेज लोड होते ही आप ये देखेंगे कि वो जगह पहले से छूटी हुई होगी उतनी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि टेक्स्ट चपक के रेंडर हो जाए। मैंने क्रॉस किया और मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने रिफ्रेश किया, पेज लोड हुआ, आप देखें पहले से जगह छूटी हुई है। इससे होता क्या है कि आपका पेज जब रेंडर होता है ना स्लो नेटवर्क पे, तो अगर आपने हाइट और वेट डिफाइन नहीं की थी, तो क्या होता है, पहले टेक्स्ट सारा एक साथ रेंडर होता है, फिर वो पूरी वेबसाइट यूं यूं करके हिलती है, इधर इमेज आया इधर हो गया टैक्स, इधर इमेज आया ऐसे नीचे हो गया टैक्स, ऐसे हो गया। अगर आपने प्रॉपर विड्थ हाइट डिफाइन की हुई है, तो आपका पेज ना लोड होने के बाद हिलता नहीं है, अपनी जगह खड़ा रहता है, एंड दैट इज़ अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस पता है ना सब लोगों को क्या होता है, क्या होता है, यस, हाँ ठीक है। तो इस्तेमाल करने वाला जो एंड यूज़र है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, वो यूज़र एक्सपीरियंस कहलाता है। ऐसा आपके दोस्त ने जवाब दिया, गलत जवाब दिया। कोई और बताना चाहेगा? नहीं, सही गलत नहीं है, पर ब्रेन स्ट्रोमिंग है, वो तो मैं बताऊंगा ना सही। यानी उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, देखो इनका, इनके जवाब को मैंने गलत जवाब क्यों कहा, ये भी समझो। देखो एक्सपीरियंस जो होता है ना, मिसाल के तौर पे जब पहली दफ़ा जब कार बनी थी, तो वो देखिए किसी ने कैसी होती थी, छह टायर का केस नहीं है वो, मतलब कार से पहले क्या होता था, कार का, कार जो अभी हम इंजन बग्गी होती थी ना, घोड़ा गाड़ी होती थी, सही है, घोड़ा गाड़ी या बग्गी कह लो उसको, तो पीछे उसके हैच लगा हुआ होता था जिसमें बंदे बैठते थे, और आगे घोड़ा होता था। तो जो पहली कार बनी थी वो एक्चुअली क्या थी, वो उसी का घोड़ा हटा के आगे इंजन लगा दिया था, समझ रहे हो, उसी का घोड़ा हटा के आगे इंजन लगा दिया था, तो ये था पहली कार। तो उस वक्त के लोग, दोस्त पीपल वर कंफर्टेबल, क्या सही है, मतलब सही है, हाँ, तो वो इंजन की जगह आगे घोड़ा है, उनके लिए तो घोड़ा गाड़ी थी वो, आगे इंजन लग गया, अब उसके घोड़ा नहीं है, चल रहे थे वो सही। तो उनसे अगर आप ये पूछेंगे ना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सही है, ओके है, गुड, यही बोलेंगे ना, वो क्या बोलेंगे और, ठीक है, उनकी क्या, जो घोड़ा गाड़ी से बेहतर है ये, मतलब ये जो अभी वाला सॉल्यूशन है कि भाई घोड़ा हटा के आगे उसके आगे इंजन लगा दिया, तो मैं दिखाता हूँ ना मैं वो, वो वाली अगर मुझे दिख जाए ना यहाँ पे, नहीं उसका वो असल में एक नाम होता था, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो नाम लिखूँगा ना वो फिर आएगी, नहीं वो असल में फर्स्ट, वो कार नहीं कहते थे ना उसको, वो उसको कहते ही कुछ और थे, ये टांगा नहीं, इंजन पावर्ड हैच, हैच कहते थे शायद, वेल वो दिखने में बिल्कुल घोड़ा गाड़ी का जो पीछे वाला होता है ना, घोड़ा गाड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बगी,
हॉर्स बगी कहते हैं, कैरेज। हाँ ये था वो, सही है, हॉर्सलेस कैरेज कहते थे इसको, ये फर्स्ट हॉर्सलेस कैरेज। सही है, ये था वो फर्स्ट हॉर्सलेस कैरेज। अब आपको ये इसमें मजीद दिखेगा, ये इस तरह का था। तो इसमें देखें आप, बिल्कुल सेम है, घोड़ा नहीं है, लेकिन आगे कार नहीं कहते थे इसको, ये कार तो बाद में बनी है, मतलब इसी को इम्प्रूव करते करते वो फिर अभी करंट कार की शेप तक पहुँचे हैं। फिर उन्होंने बोला यार घोड़े को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, तो आगे घोड़े का मुँह लगा दिया। मतलब ऐसा देखो, इसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इसमें कैसा लग रहा है कि मतलब कुछ माइनस हो गया ना सामने से, मतलब दूल्हा सामने से गंजा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो वो दूल्हे के लिए ना उन्होंने फिर हॉर्स का मुंह वगैरह भी लगा दिया। तो इनसे अगर कोई पूछेगा ये कि यार इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है आपका घोड़े वाले के खैर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे यार घोड़े का मुंह मिस कर रहे हैं हम, तो वो लगा दो आगे तो सेट हो जाएगा। मतलब अभी आप लोगों को घोड़ा गाड़ी के मसले मसाइल नहीं पता ना, क्योंकि आपने वो दौर नहीं देखा। घोड़े के अपने मसले मसाइल होते हैं, अगर आप वो, हाँ वो चलते चलते कभी उसका मूड चेंज हो जाता है, कभी वो रुक रुक भी जाता है, आज उसका मूड अच्छा नहीं है, वो सही नहीं दौड़ेगा, ठीक हो गया, मतलब उसके अपने एक अपने साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसकी। फिर उसके अलावा आप जहाँ पे लेकर जा रहे हैं ना, अगर आप घोड़े पे खुद बैठ के जा रहे हैं डायरेक्ट, या तांगे पे लेके जा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी पहुँचेंगे तो उसको खोलना होता है आपने, खोल के उसका अस्तबल होता था पहले, लोग मेहमानों के लिए अस्तबल, जैसे आजकल ड्राइंग रूम बनाते हो ना, ऐसे लोग ड्राइंग रूम के साथ साथ अस्तबल भी बनाते थे कि कोई मेहमान आएगा तो उसका घोड़ा यहाँ रहेगा, फिर फटाफट एक बंदा भेज के उसके लिए खाना पानी मंगवाना, जाहिर है हर वक्त अवेलेबल, किसी के घर में खुद का घोड़ा है तो चलो बात अलग है, खाना पानी थोड़ा बहुत पड़ा होता है तो वो उसको खाना पानी खिलाते थे, ठीक है। तो ये इस तरह वाले मसले होते थे जो सारे इसमें माइनस हो गए, हाँ मसले माइनस हो गए ना इसके अंदर। अभी घोड़ा खोल के उसको, मतलब जाहिर है ट्रैवल करके आया तो बंदा खुद तो नहाएगा, लेकिन घोड़ा भी नहाएगा उसका, घोड़ा भी पानी पिएगा, तो एक उसके लिए या तो वो खुद करे आप, या कोई बंदा हो तो वो करे जहाँ पे वो गया है, सब सही है। और वो फिर वो जाहिर है वो पॉटी वाटी भी करेगा, फिर बहुत सारे इस तरह के मसले हैं। फिर अगर वो घोड़ा बंधा हुआ है तो उसको भी देखना भी है कि वो खुल ना जाए, किसी को मार मुड़ ना दे जाके, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें माइनस हो गई। तो वो तो ऑब्वियसली जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो कहेगा ये बेटर है। यूज़र एक्सपीरियंस तो तुम्हारा वाला जो तुमने बताया वो यूज़र एक्सपीरियंस है, इसमें बेस्ट है, लेकिन क्या ये बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस था? नहीं, अच्छा अगर घोड़ा गाड़ी पे वैसे कोई बैठा है फिजिकली, तुम बैठे हो, हाँ कड़क कड़क नहीं है उसके अंदर, धड़ 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 होता है वो पूरा, कंफर्टेबल वाले पे बैठे होगे फिर तुम, सही है। मैं पर्सनली गधा गाड़ी पे भी बैठा हूँ और घोड़ा गाड़ी पे भी बैठा हूँ, नहीं गधा गाड़ी के ऊपर। तो हमारे अब्बा का एक टाइम पे बिजनेस हुआ करता था, तो उस पे सामान आता था, अभी तो सुजुकी वगैरह निकल आई हैं, पिकअप ट्रक्स आ गए, उस ज़माने में घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी चलती थी जब मैं छोटा था, तो ठीक है, तो वो गधा गाड़ी पे सामान रख के लाते थे तो अब्बा मुझे साथ बिठा देते, छोटा सा था ना तो मैं बैठ जाता था साथ में, और भाई उसमें बहुत ही जंप धड़ 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 जंप लगते हैं। अभी की तो कार्स तो कम्फर्टेबल है ना, उसमें तो आप मतलब कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो फिज़िकली कभी गधा गाड़ी पे बैठ के चेक करना, फिर तुम पूछना कि भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो उस वक्त के लोग जो थे ना उस एक्सपीरियंस के आदि थे, धड़ 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 वाले, उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी कि कंफर्टेबल भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अभी वाला जो कार है वो कंफर्टेबल है। वेल तो ये मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई यूज़र को नहीं पता होता कि उसको क्या चाहिए, यूज़र को नहीं पता होता उसको क्या चाहिए। फोर्ड, जो फोर्ड की कंपनी का जो मालिक है, जिसने फोर्ड कंपनी बनाई थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार, हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड से, हेनरी फोर्ड ने बोला कि अगर मैं पूछता ना घोड़े चलाने वाले बंदे से कि मतलब क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहता मुझे और तेज़ घोड़ा चाहिए। वो ये थोड़ी बोलता है कि मुझे चार पहिए चाहिए उसके अंदर बैठ के चलाऊँगा मैं, मतलब उसका तो स्लोगन यही था ना, चार घोड़े बना दिए थे उसने, कहा यार एक कार है ये चार घोड़े की पावर है, इसमें भगाओ इसको। अब कह रहा मैं घोड़े वाले से पूछता ना उसको नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, बोलता मुझे और तेज़ घोड़ा दे दो, यही बोलता ना वो कार का, तो उससे सोचा। तो यूज़र को नहीं पता होता उसको क्या चाहिए, आपने उसको देना होता है ऐसा आइटम दैट ही कैन नॉट रिफ्यूज़, उसको आपने ऐसा कुछ देना होता है जो वो रिफ्यूज़ ना कर सके, ठीक है। बड़ा मशहूर डायलॉग है किसका, ये अबे हेनरी फोर्ड का नहीं है ये कोई, नहीं नहीं ये वाला, ये वाला कि आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट
रिफ्यूज किसका है ये? अबे वो कोई डॉन वॉन था पता नहीं मूवी है, अबे पाब्लो एस्कोबार नहीं, अभी मैं उसका नाम बिल्कुल भूल रहा हूँ। वेल किसी को याद आया तो बताना। अच्छा सर फजल तो आते रहे ना यहाँ? नहीं मतलब मैं उनसे एक दो बार हेलो हाई हुई है, मुझे नहीं पता। वेल अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, उनकी बुराई ना करना, फिर वो सुन लेंगे। अच्छा अच्छा खैर, तो अब मैं बता भी देता हूँ फिर कि व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस ये होता है, अभी नहीं वीडियो नहीं बनाओ, नीचे कर लो इसको। नहीं मुझे पता है तुमने होम का बटन दबा के फिर मुझे स्क्रीन दिखाई है, इतना समझदार मैं भी हूँ, ठीक है। वेल तो इसका अंदर रख लो ना यार, मैं कोई बात कर रहा हूँ, तुमने फ़ोन आगे किया हुआ यार, ये कोई तरीका है? हाँ अच्छा सुन लो अभी गौर से सुन लो, ये जो मैं बात बताने लगा हूँ ना, ये नहीं कोई बताता, सही है? फिर आप रुलते रहते हो, फिर इंडस्ट्री में जाके जलील होते हो, अब यार बंदे सिर्फ ताने देते हैं, सिखाता कोई नहीं, सही है ना? तो ये सुन लो जो मैं बात सिखा रहा हूँ। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के ना दो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर एक उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं दोबारा से, ताकि मिसाल के तौर पे अभी कोई नई गाड़ी आती है तो नीचे जो क्लच ब्रेक की सेटिंग है ना वो सेम ही है, स्टेयरिंग वो सेम ही होता है इसके अंदर, ठीक है। गियर जो मैनुअल गियर है वो एक ही है, कि भाई उधर ऊपर करोगे तो एक है, फिर नीचे करोगे तो दूसरा है, फिर बीच में करके फिर ऊपर करोगे तो, मतलब समझ रहे हो, एक ही होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो मोटरसाइकिल होती है उसमें लेफ़्ट हैंड पे ही क्लच देते हैं सब लोग, राइट हैंड पे ही फ्रंट ब्रेक देते हैं सब लोग, एक्सेलेटर राइट हैंड पे देते हैं, नीचे की ब्रेक नीचे के गियर सेटिंग ऑलमोस्ट एक ही है, समझ रहे हो? तो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है कि आप जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने क्लच को राइट हैंड पे दे दिया कि नहीं राइट हैंड में पावर ज़्यादा होती है तो क्लच ज़ोर से दबाएगा तो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है उसकी। तो एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस बंदे को जिस चीज़ की आदत है वो ना छिड़ जाए, वो चीज़ छिड़ ना जाए, वो चीज़ ओके रहे। यही वजह है कि जब कार शुरू में आई थी तो लोगों को घोड़ा गाड़ी चलाने की आदत थी, कार का तो पता ही नहीं था उनको। तो जब आप शुरू पर एक कार ख़रीदते थे तो कार के साथ साथ ड्राइवर भी आता था, मतलब आपको कार लेके आप खुद अगर चलाना जानते भी है ना तो भी कंपनी आपको ड्राइवर भेजती थी साथ में, और जितने दिन तक कार आपके पास होती थी उतने दिन तक ड्राइवर भी होता था। हाँ ऐसा ही था, ठीक है। रोल्स रॉयस के में बहुत रिसेंट दिनों तक, यानी 1970s वगैरह तक भी रोल्स रॉयस साथ में बंदा भेजते थे, मतलब वो एक सूट वूट पहन के वो उन्हीं का बंदा होता था और वो मतलब आपके पास होता था, वो पता नहीं ड्राइवर होता था वो आपको लेके जाएगा, ठीक है। वो कहते थे यार आप तो सेठ आदमी हो, आप क्या चलाओगे गाड़ी वाड़ी, यार हम चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। पैसे लेते थे वो, अच्छे खासे पैसे लेते थे वो लीज पे। अभी भी बल्कि जो गाड़ियाँ ना वो बहुत सारी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो बेचते नहीं है, वो लीज पे देते हैं कि आप ये चलाओ, आप हमें पैसे देते रहो महीने के, ना आप फ्यूल का सोचो ना आप मेंटेनेंस का सोचो, कुछ भी नहीं, वो सब हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ आओ जाओ और हमें महीने के पैसे इतने देते रहो, ठीक है। ये लीज़ पे होती है, लग्जरी गाड़ियाँ लीज़ पे ही लेते हैं लोग, ठीक है। क्यों ख़रीद के घर पे कचरा करना है उसको, तो नहीं नहीं वो भी खैर। तो पॉइंट ये था मेरा कि भाई शुरू में उन्होंने ड्राइवर साथ में दिया कि भाई इसको तो घोड़ा गाड़ी चलाने की आदत है, अभी ये स्टेयरिंग इसको दे देंगे इसको समझ नहीं आएगी, फिर कहीं घुस जाएगा ये, सही। तो पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बंदे का ना छिड़ जाए, एक तो ये चीज़ है। तो ये जो वेबसाइट खुलती है ना जब, तो ऐसे हिलती हुई कोई वेबसाइट भी नहीं खुलती, स्टेबल खुलती है, सीधी खुलती है, ठीक है। हमने 4-5 वेबसाइट लास्ट क्लास में खोल कर देखा था, आपने किसी में भी ये नहीं देखा होगा कि वो पहले इमेज बाद में लोड हुई, अब इस तरह का कुछ भी नहीं था। दूसरा एलिमेंट जो होता है ना यूज़र एक्सपीरियंस का, जो अभी हमने इधर नहीं देखा, अभी तो हम पहले वाले तक ही पहुँचे, वो ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपकी कोई आप फिज़िकल कोई प्रोजेक्ट हो आपका, कोई कपड़ा हो, कोई पैंट शर्ट, कोई जैकेट हो, या कोई कंप्यूटर हो, या कोई चाय का कप हो, तो आप उसको इस्तेमाल करने में ना कुछ एंटरटेनमेंट का कोई फैक्टर डाल देते हैं आप, ताकि उसको जब बंदा यूज़ करे तो उसको मज़ा आए। उसको नहीं पता ये, यूज़र मांग भी नहीं रहा आपसे ये, उसको नहीं पता कि मतलब ये चाय का कप मतलब पीऊँ मज़ा आया मुझे, लेकिन ये यूज़र नहीं मांग रहा, यूज़र कह रहा है मुझे कप चाहिए, मैंने चाय पीनी है, दैट्स इट। आप इसमें कुछ ऐसा डालते हैं यूज़र को मज़ा आए, जैसे 125 है, 125 चलाते हो मज़ा आता है ना, है क्यों आता है? आवाज़ भागती है और साउंड है उसका, उठती है पहले गियर में, आसपास लोग भी अगर उठ के घर में चले जाएं अपने तो और मज़ा आता है। नहीं मैंने एक बार हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, वो एक दफ़ा 125 बेच रहा था, तो बड़े अच्छे रेट में दे रहा था वो, तो मैंने कहा चलो यार फिर लाते हैं ट्राई लेते हैं। तो मैं ले के निकल गया, कहीं जाना था हमें कहीं काम से,
मैं जिस गली में जाऊँ ना, रात का वक्त है ज़्यादा, 8-9 बजे का टाइम है, मैं जिस गली में जाऊँ ना लोग उठ के, शुरू में मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन 4-5 दफ़ा हुआ ना ये, तो फिर मैंने नोटिस किया मैंने कहा यार ये लोग उठ के क्यों चले जा रहे हैं। उसने कहा वो भरम है ना। अरे मैंने कहा भाई ये रख तू अपने पास नहीं मतलब जो जो जंगली जानवर भी होता है ना वो डर के हमला करता है, आपको शेर आप पे ऐसे नहीं हमला करता, वो डर के करता है। तो मैंने कहा कि वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि इनमें से किसी के पास कुछ लगा हुआ नहीं था वरना कुछ तो जा रहे हैं ना अंदर, कुछ दूसरा चैम्बर चढ़ा के ऐसे रेडी खड़ा हो जाता कि आ बेटा तो फिर मेरा क्या होगा तो ये ना थोड़ा मसला है। बस उसमें ये वाला मसला नहीं है, हाँ इसमें इसमें मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 150 लेके मैं जब भी गली में जाऊँ ना, भले रात के 3 भी बज रहे हों, वो बिल्डिंग होती है उसके बाहर गार्ड बैठे होते हैं, तो वो जो ऐसे सो रहा है ना तो वो आँख खोल के भी नहीं देखता, उसको पता है कोई मम्मी डैडी जा रहा होगा आँख खोल के भी नहीं देखता वो, होता है ना मतलब 70 भी है मेरे पास, वो भी चलाता हूँ मैं, जब वो लेकर जाता हूँ ना तो बंदे आँख खोल के देखते हैं एक बार कि हाँ यार बंदा क्लियर है, फिर नीचे कर लेते हैं। इस पे आँख भी नहीं खोलता वो, उसको वो तो भाई मतलब पूरा सीधा हो जाएगा फिर कि भाई ये भी कुछ होने वाला है पक्का, सही है तो ये तो एक चलो साइड की बात है। वेल तो 125 जब शुरू में लोगों ने उन्होंने बनाई होगी, तो आपको क्या लगता है कि 125 का जो साउंड है वो एक्सीडेंटली उसमें वैसा बन गया है? भाई पेटेंट है वो, उनका अपना पेटेंट है वो साउंड, वो कोई और बाइक वाला अपने पर लगा नहीं सकता, वो तो चाइनीज़ बाइक में लगा हुआ तो क्योंकि उन पर इनकी चलती नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो उस साउंड को कॉपी नहीं कर सकती। वरना आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा सुजुकी वाले कॉपी नहीं करते उसको? अभी सुजुकी ने 125 निकाली है, उनका साउंड अलग है, वो वाला नहीं है। अच्छा सुजुकी के भी कुछ साउंड है जो जिक्सर विक्सर के, वो पेटेंट है उनका, वो नहीं कॉपी कर सकते दूसरे। तो ये साउंड बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है ताकि जब आप बैठे ना और आप एक्सेलरेट करें और एक साउंड आए तो आपको प्लेजर फील हो। क्यों हो रहा है कि अब यूज़र मांग भी नहीं रहा था वो, लेकिन अभी यूज़र को पता चल गया है ना, अभी अब मज़ा आ गया है तो अब यूज़र को वही चाहिए। तो एक एलिमेंट ऑफ प्लेजर हो उसको, हालांकि ट्रैवल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स, ट्रैवल करना आसान काम नहीं है, मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है कि रोड पे आप निकलें और आप किसी कम्यूट गाड़ी पे बैठें और उसको चलाएं। लेकिन जो कंपनीज़ ने उसके अंदर ऐसा एलिमेंट डाल दिया एंटरटेनमेंट का कि जो है ना वो लोग उसको चलाना पसंद करते हैं, मतलब लिटरली आप अभी अपने सराउंडिंग में देखें ना कि किसी के पास गाड़ी होना इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? वरना असूलन तो ये होना चाहिए ना कि गाड़ी बंदा ओन ना करे, बंदा घर से निकले उसके पास कोई हो वो उसको ले जाए, कोई हो जो उसको ले आए मतलब, या किसी ने जिस कंपनी में वो है उसने उसको आने जाने की प्रोवाइड किया वो जो कम्यूट है उसका, तो वो हालांकि ज़्यादा बेटर है ऑप्शन कि यार आपने कुछ नहीं करना, बैठना है जाना है, ऐसी वाली गाड़ी है बैठ के आ जाना है। लेकिन जिस बंदे के पास खुद की गाड़ी होगी ना उसको लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्यों कि उस गाड़ी में इंटरटेनमेंट का और ऐसा प्लेजर का एलिमेंट डाला हुआ है कि उसमें बैठने में ही लोगों को मज़ा आता है, समझ रहे हो? और कोई एग्जांपल 125 के अलावा? वेल तो बहुत सारी, हाँ नहीं बहुत सारी, अब देखो जो बहुत सारी कार्स हैं लग्जरी कार्स हैं उसमें क्या होती है, सीट के पीछे मसाज वाला लगा हुआ होता है, हीटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, स्टेयरिंग हीटेड स्टेयरिंग होती है, जो ठंडे इलाकों में लोग चलाते हैं उनको मतलब हीटेड स्टेयरिंग पे हाथ रखो ना मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि ठंड में अभी तुम इधर चेयर पे हाथ रखो ये ठंडा हुआ हुआ है, हालांकि इतना टेम्परेचर अभी क्या अभी टेम्परेचर है, अभी तो कोई नॉर्मल सा ही टेम्परेचर चल रहा है, 29 है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी जिस चीज़ पर भी हाथ रखो इधर वो ठंडी हुई है, हम क्योंकि 40 की आदी है ना, 40 डिग्री की आदी हैं, तो 29 इज़ अ कोल्ड वेदर हमारे लिए, तो वो उसमें आप इमेजिन करो कि जहाँ पे 5 डिग्री 3 डिग्री नॉर्मल है तो वहाँ पे गर्म स्टेयरिंग में कितना मज़ा आएगा उसको, तो वो उसने रखा हुआ है यार गर्म गर्म स्टेयरिंग पकड़ के वो जा रहा है, ठीक हो गया, फिर उसके जो लुक्स हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके वो स्पीड विस्पीड है कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है, तो इंटरटेनमेंट का फैक्टर ऐड किया जाता है। अब वेबसाइट के अंदर इंटरटेनमेंट का क्या फैक्टर है वो आप लोगों ने घर जाके गूगल करना है। एक वेबसाइट के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस के दो एलिमेंट बताए मैंने आपको, नंबर एक तो समझ आ गया कि यार प्रीवियस एक्सपीरियंस, लेकिन वो प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकता है इस इमेज के अलावा भी, वो आपने पहली बात तो घर जाके गूगल करना है, ठीक है। अच्छा ये हमारा टॉपिक जब CSS आएगा तो हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, व्हाट इज़ फंक्शनल डिज़ाइन,
तो उस पर हम ये इसको यहाँ से मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, इसको गूगल करना है, इसको एक्सप्लोर करना है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मार्केट में चलता कौन है, मार्केट में वो चलता है जो बेस्ट होता है, ठीक है, और बेस्ट कौन होता है, जिसकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी सेल्स ज़्यादा होती है ना यार, 1 to 5 की सेल्स ज़्यादा हुई तो जब भी तो लोगों को अच्छा यार ये है, लोगों ने आइडेंटिफाई तो जब भी किया ना, जो बिक ही नहीं रहा उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, ये की फीचर है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने में, एक की फीचर है, जिस प्रोडक्ट के अंदर जस्ट वो फंक्शनल है और कोई उसमें यूज़र एक्सपीरियंस का एलिमेंट नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट का एलिमेंट नहीं है, लोग उसको लेना पसंद नहीं करते। जब दो प्रोडक्ट को रखा जाता है, एक फंक्शनल है दूसरी भी फंक्शनल है, लेकिन दूसरी वाली में कुछ इंटरटेनमेंट का भी फैक्टर है, तो लोग सेकंड वाली प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, ऐसा ही है। अब आप ये गौर करेंगे अपनी ज़िंदगी पे, तो आप भी यही करते रहे, डेली बेसिस पे आप भी यही कर रहे होते हैं कि दोनों प्रोडक्ट फंक्शनल है लेकिन एक में यूज़र एक्सपीरियंस बेटर है, ठीक है, ये वाला यूज़र एक्सपीरियंस इंटरटेनमेंट वाले फैक्टर वाला, तो आप दूसरे वाले को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने विड्थ और हाइट को देखा। अच्छा, अब एक छोटा सा हम काम और कर लेते हैं, हमारे क्लास का टाइम हो गया। अब इस इमेज को अगर छोटा करना है मैंने, तो वो मैं कैसे करूँगा? अब देखो, ये इसमें एक चीज़ होगी, जब मैं इसको खींचूँगा ना, तो ये इमेज क्या होती जा रही है, स्ट्रेच होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ, ये इमेज स्ट्रेच क्यों हो रही है? इसकी विड्थ मैंने 100% रखी है, जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रही है, और हाइट मैंने इसकी रखी है फिक्स, 500 समथिंग फिक्स थी हाइट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो अब ये हाइट और विड्थ जो है मुझे एग्जैक्टली पता होनी चाहिए इमेज की, और मैं वही रखूँगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मेरी जो इमेज है इस वक्त, राइट नाउ, कहाँ गई इमेज यार, गुम कर दी मैंने, यहाँ पे ना, इसमें डेस्कटॉप क्लास, यार एक मिनट, कैसे खोली थी मैंने वो, राइट क्लिक रिवील इन फाइंडर, ऐसे खोली थी। अच्छा, तो मेरी इमेज की जो इस वक्त विड्थ और हाइट है ना, 3556 और 1994, यही मैं रखूँगा एग्जैक्टली, तभी वो ठीक रहेगा। इससे ज़रा सा भी ऊपर नीचे किया मैंने, इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये मैंने कभी भी नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि मुझे जो इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए, मुझे छोटे साइज़ में चाहिए, जिसकी विड्थ जो है वो काइंड ऑफ 1400 हो, और हाइट जो है काइंड ऑफ क्या हो, 600 हो, 500 हो, क्योंकि बैनर का साइज़ यही होता है 16x9। तो अब इस इमेज को मैंने कैसे सेट करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको फोटोशॉप या इस तरह का कोई भी इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, इस इमेज को क्रॉप करके या रीसाइज करके आप उस साइज़ पे लेकर आएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, photopea.com, photopea भी बोल सकते हो आप, पिया भी बोल सकते हो, ठीक है, photopea है वैसे इसका सही प्रोनाउंस शायद। ये आपने खोल लिया, ये एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है काइंड ऑफ फोटोशॉप। अच्छा, ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि फोटोशॉप तो पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है, ये वेब एप्लीकेशन है, डायरेक्ट ओपन हो जाती है, और आपने वो इमेज ड्रैग करके इधर लानी है, ठीक है। ये लंच वाली इमेज है ना, इसको मैंने बैनर बनाना है, इसको मैंने क्या किया, ड्रैग करके इधर लेकर आ गया मैं। ओ भाई क्या हो गया, इंटरनेट स्लो किया हुआ? नहीं, वो तो एक टैब के लिए किया हुआ है मैंने, हर टैब में थोड़ी आएगा। ओ खुल चुका है, सही है। हाँ नहीं, मैं देख लेता हूँ वैसे। नहीं नहीं, वो तो एक टैब के लिए किया हुआ है ना, जिस टैब में ना डेवलपर ऑप्शन खुले हुए नहीं होते ना, उसमें डेवलपर ऑप्शन अप्लाई भी नहीं होते, सही है, ये नॉर्मल यूज़र खुला हुआ है इसमें। अच्छा, ये खोल लिया मैंने, मुझे दो काम करने हैं। नंबर एक, तो मैंने इसको क्रॉप करना है, ठीक है, क्रॉप का कोई ना कोई टूल यहाँ पे होगा, ये बना हुआ है क्रॉप का टूल, ये मैंने क्रॉप का टूल दबाया, और मुझे चाहिए इतनी इमेज, मुझे सिर्फ हाथ चाहिए लोगों के, नहीं मुझे, मेरे केस में मुझे क्रॉप करना है फिलहाल के लिए ना, तो आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है, और इसको मैंने टिक लगा दिया, तो ये क्रॉप हो गई इमेज, राइट, ये इमेज क्या हो गई, क्रॉप हो गई। अच्छा, अब मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, फाइल का बटन दबाऊँगा और एक्सपोर्ट एज क्या लिखूँगा मैं, जेपीईजी, ठीक है। अच्छा, पीएनजी में भी कर सकता था, अभी वो बुक में आगे आ जाएगा कि पीएनजी में करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इमेज का नाम लंच है, फॉर्मेट जेपैक है, और विड्थ इसकी अभी भी क्या है, 4954 इसकी विड्थ है अभी भी, ठीक है, और मतलब इसकी मुझे ये शार्पनेस दिखा रहा है एक्चुअली कि ये इतना शार्प होगा, और इसका जो साइज़ होने वाला है वो 1.4 MB होने वाला है, अगर मैं इसको ऐसे ही, जो मैंने क्रॉप किया ना 3 MB था, उससे 1.4 हो गया है,
क्रॉप करने की वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी यहाँ से क्वालिटी को कम कर सकता हूँ, सही है, ये देखो 60-70% कर सकता हूँ, जिससे इसका जो साइज़ है वो क्या होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। देखो अब ये के बीज में आ गया साइज़, ठीक है 762 KB, लेकिन उससे शार्पनेस इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, विड्थ हाइट अपनी कम नहीं हो रही इसकी, विड्थ हाइट इसकी वही है। तो मैंने, मुझे विड्थ कितनी चाहिए, मेरे मॉनिटर में विड्थ इस वक्त 1400 है, तो मैं 1500 कर लेता हूँ इसको। ओ, ये क्या हुआ, कैंसिल। अच्छा यहाँ पे देखो बीच में ना एक बटन बना हुआ है, इस बटन को क्लिक करने से ना ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है, स्लो क्यों हो रहा है, हर चीज़ स्लो हुई हुई है, पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट ज़रा मैं इसको नेटवर्क को यहाँ से ज़रा चेंज करूँ, पता नहीं मुझे लग रहा है गूगल क्रोम में बग तो नहीं आ गया ना कोई। अच्छा मैं इसकी ना यहाँ से हाइट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ में विड्थ इसके चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से ना। मैं क्या करूँगा, मैं इमेज में जाऊँगा, और इमेज में जाके मैं क्या करूँगा, इमेज साइज, ठीक है, इमेज साइज़ पे मैंने क्लिक किया, वही स्क्रीन यहाँ पे खुली है एक्चुअली, और यहाँ पे विड्थ मुझे बता रहा है ये 495। अब आई होप कि ये विड्थ इसके साथ हाइट के साथ अटैच है, तो मैं चेंज करता हूँ, नहीं है अटैच यार, एक मिनट, ये बटन है इसको दबाने से अटैच हो जाता है, हाँ ये बटन अब देखो इनेबल हो गया। अब मैं जब चेंज करूँगा ना इसको, तो हाइट भी साथ साथ चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रही यार, अरे अब हो रही है। अच्छा वो थोड़ी देर में अपडेट हो रहा है असल में, ओके आई गॉट इट। अच्छा तो मुझे चाहिए था 50, नहीं है फिर वहाँ पे भी हो रहा होगा, देर से अपडेट हो रहा होगा। मैं ज़रा दोबारा से उधर जाता हूँ, एक्सपोर्ट एज और जेपेग, बटन तो यहाँ बना हुआ है तो मतलब यहाँ पे भी हो रहा है, ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट एज जेपेग, यार इसको क्या हो गया, मैंने क्या किया यहाँ से जाके, इसको इमेज साइज, इसको तो मैंने कट कर दिया था ना, ये कोई बग आ गया शायद फिर से इसमें, हाँ हाँ एक्सपोर्ट एज जेपेग, मैंने कहा 1500 राइट, तो अभी ये सात वाले को चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन शायद ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हो गया सही है, मतलब वो पहले भी हो रहा था बट वो स्लो हो रहा था, तो हमें फील नहीं हुआ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वेल मैंने इसका साइज़ चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिक 266 KB पे आ गया, ठीक है, और इसकी मैं क्वालिटी को भी कम कर सकता हूँ, क्वालिटी मतलब शार्पनेस इसकी ना, सही है। अब मैं देखता हूँ कि कितने शार्पनेस तक मुझे चाहिए, तो मेरे पास काइंड ऑफ ये इस तरह का दिख रहा होगा, तो मैं शायद मैं शार्पनेस इसकी फुली रखता हूँ, 600 KB की बन रही है मेरी, अगर मैं 50% इसकी शार्पनेस को 50% कर देता हूँ मैं, तो ये कितने की बन रही है, 151 KB। तो मैं इसको ज़रा इस साइज़ में सेव करके चेक करता हूँ कि क्या सीन है इसका, कितना ज़्यादा ये ब्लर हो गई है, ठीक है, मेरा ख्याल है शायद ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्लर हो गई है, सही है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्लर हो गई है। तो वेल मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके देख सकता हूँ, और अब मैंने क्या करना है, मेरी जो एक्चुअल इमेज थी ना उसको मैंने रिप्लेस कर देना, ये वाली लगा देना उसकी जगह, ठीक है, वो किधर डाउनलोड में गई होगी मेरे ख्याल में, ये डाउनलोड में गई है, मैंने इसको कॉपी किया, दिस इमेज इज़ 155 KB, ठीक है, 155 KB बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, हमें इतना ज़्यादा नहीं करना, अगर 300-400 KB तक भी हो तो चलेगा। तो मैंने इधर लंच वाले को आके डिलीट किया, और डिलीट करके ये वाला इधर लगा दिया मैंने। अब जो मेरी वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट कहाँ गई, ये नहीं मेरी वेबसाइट, ठीक है, मैं इसमें विड्थ हाइट फ़िलहाल अभी नहीं लगा रहा, अभी इसको मैं बगैर विड्थ हाइट के चलाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने क्लिक किया, ये अब खुली है, ये ऑटोमेटिक 1500 विड्थ में खुली है, सही है, ऑटोमेटिक इसकी जो विड्थ है वो 1500 है। और अब मैंने क्या करना है,
एग्जैक्टली जो इसकी विर्थ और जो इसकी हाइट है वो मैंने विर्थ और हाइट के एट्रीब्यूट में पास कर देना है। रीज़न उसका क्या है, यही रीज़न है कि जब ये वेबसाइट लोड हो तो वो अपनी जगह छोड़ के लोड हो। सही है, मैं दोबारा से नेटवर्क में जाता हूँ और मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको स्लो 3G लगाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, अभी क्योंकि विर्थ हाइट खाली है चपक के लोड हो रहा है। अब मैं जाऊँगा अपने कोड में और कोड में जाके विर्थ इसकी 1500 है वो मैंने इधर लगा दी और हाइट इसकी क्या है भाई, हाइट इसकी है 667। ठीक हो गया। तो अब जब मैं इसको लोड करूँगा तो ये जगह पहले से छोड़ के लोड होगा इतना। ठीक है, कट किया मैंने, दोबारा से रिफ्रेश किया, जब ये लोड होगा उतनी जगह छोड़ कर होगा। अब क्वेश्चन ये है, एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है ये कैसे ख़त्म होगा इमेज। अब ये विर्थ हाइट समझ गए, विर्थ हाइट में कभी भी इमेज को छोटा या बड़ा करने के लिए नहीं होता विर्थ हाइट, ये हमेशा किस लिए होता है, जस्ट उसके साइज को कैरी करने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए होता है। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसे ख़त्म होगा ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि भाई अब इमेज में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया ये कैसे ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने का दो तरीका है। नंबर एक तरीका तो ये है कि इस इमेज को ना हम बैकग्राउंड इमेज के तौर पर लगाएं और हम बोलें कि जो ओवरफ्लो है ना उसको स्क्रीन से बाहर कर दो, वो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड करके, लेकिन वो हम CSS वाले में सीखेंगे क्योंकि स्टाइलिंग से रिलेटेड है वो बैकग्राउंड वगैरह। दूसरा तरीका ये है, इमेज आमतौर पर ज़रूरी नहीं है कि पूरे वृत्त पर हो, इमेज एक साइड पे या दूसरी साइड पे भी हो सकती है या सेंटर में होती है इमेज आमतौर पे। तो उस केस में तो हम जस्ट उसको सेंटर करेंगे तो हमें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इतनी कि इमेज यहाँ से बाहर निकल रही है या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है। लेकिन जस्ट इन केस हमारी इमेज अगर फुल विर्थ पे भी आ रही है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ओवरफ्लो को हिडन भी कर सकते हैं, ये भी एक है। तो उससे बजाय वो इसके स्क्रॉल करने के जो ओवरफ्लो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर बैकग्राउंड भी हमारे पास 3-4 उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो हम दोनों चीज़ें हम आगे अभी देखने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल है दैट इज़ प्रीटी मच इट, हमारे पास और तो अभी इमेज में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये हमने विर्थ हाइट को आज डिस्कस किया। अब आगे कुछ और चीज़ें वो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो इमेज वाला असाइनमेंट आपने बनाया था उसके अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने एक एक इमेज लगाई हुई है, तो उसको थोड़ा सा किसी वेबसाइट को देखें आप, बहुत सारी वेबसाइट हमने लास्ट क्लास में भी खोल कर देखी थी, उसमें से किसी वेबसाइट को आप खोलें, किसी वेबसाइट को कॉपी करने की कोशिश करें, किसी भी वेबसाइट से आप इमेज निकाल सकते हैं, पता है ना ये आपको, जस्ट एज अ असाइनमेंट अगर आप निकालना चाहें। मिसाल के तौर पर लास्ट हमने apple.com खोला था, सही है, तो apple.com पे ये जो इमेज लगी हुई है ना, ये इमेज आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ना, आप राइट क्लिक करेंगे और मे बी इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप जाएंगे। यार इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कोई दूसरी कारीगरी की हुई है, वो एज अ बैकग्राउंड मोस्ट प्रॉब्ली इसमें लगाया हुआ इन्होंने। ठीक है, इसको एज अ बैकग्राउंड लगाया हुआ क्योंकि जो इमेज सेंटर करके पूरी वृत्त वाली होती है उसको बैकग्राउंड करके ही लगाते हैं। ये भी बैकग्राउंड ही होगा क्योंकि ये भी फुल वृत्त है। हम ये आईफोन 14 वाले के अंदर चले जाते हैं, ये तो वीडियो चल रही है ऑब्वियसली। अच्छा, तो ये इस तरह की जो पिक्चर है, देखो राइट क्लिक किया मैंने, सेव इमेज एज लिखा हुआ रहा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब लिखा हुआ रहा है, तो आप ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो ये पिक्चर आपके पास ये खुल के आ गई। सही है, तो ये इमेजेस आप दूसरी वेबसाइट से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस वेबसाइट को कॉपी कर रहे हैं ना अगर आप, तो इसकी इमेजेस आप इसी वाली इस्तेमाल करें जो इन्होंने लगाई हुई है। सही है, ये आप देखें ओपन इमेज इन न्यू टैब करके आ रहा है, ये ओपन इमेज हो गया नए टैब में। सही है, तो ये सारी इमेजेस क्या कर सकते हैं आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे हम नाइकी के लेवाइस के हम उस पर गए थे तो वहाँ पे जो इमेजेस लगी हुई थी वो एक्चुअली क्या होती है, वो जस्ट एक इमेज होती है। ठीक है, ये देखो ये एक इमेज है, एक राइट क्लिक किया ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इधर वो अभी स्टाइलिंग में हम सीखेंगे कि कैसे आता है ये, इसको CSS एनिमेशंस देख सकते हो, बुक में है जिक्र इसका। ठीक है, ये सारी इमेजेस जो हैं आप क्या कर सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो फॉन्ट ही है,
अब साइड बाई साइड करना भी हमने सीखा नहीं है कि इमेज एक साइड पे, फॉन्ट एक साइड पे कैसे होगा, तो आप नीचे करके बना लें। ठीक है, फिर मिलते हैं, चलो अगली क्लास में।